अच्छा मैंने सब पलट दिए हैं, ऊपर वाले नीचे कर दिए, नीचे वाले ऊपर कर दिए। अब उस साइड लाइट लाइट गोल्डन होते हैं तो निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे को, दो अंडों को फ्रेंड्स में लाइट मान रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल केबी फूड। तो आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखाती हूँ। शामी कबाब बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने ये 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है, मैं गोश्त का बनाती हूँ। इस तरह से बोटियाँ कर लें और ये देखें चिकनाई, बहुत ही कम चिकनाई है इस गोश्त में। तो ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया, इसे अच्छे से धो लिया है। ये वाला प्याला एक, मैंने ये चने की दाल ली है और इसे मैंने धो लिया। इसे मैंने भिगोया नहीं, कुछ भी देर नहीं भिगोया, बस मैंने इसे चने की दाल को धोया है। ये मसाले लिए हैं मैंने, ये साबुत मिर्चें हैं और ये 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इवन ये 8 मैंने ऐसे लहसुन लिए हैं, ये थोड़े से छोटे छोटे से भी लहसुन है, एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लेके इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, 1 टेबल स्पून नमक है, एक ये छोटी सी प्याज ली थी इसे मैंने इस तरह से काट लिया है, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और 2 टेबल स्पून दही है, ये हम बाद में डालेंगे जब पक जाएगा, 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने हाफ गड्डी धो लिया था, ये भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चले आप कबाब चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे, चने की दाल भी डाल देंगे। ये लाल मिर्च लिए मैंने, आप कम भी ले सकते हैं खाते हैं तो। ये प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन और ये नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 4 गिलास हम पानी के डालेंगे भर भर के। जैसे इसमें वो उबाल आएगा तो मैं इसे कुकर का ढक्कन लगा दूंगा, 20 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे पक्के। बॉयल आना शुरू हो गया, तो इस तरह बॉयल आना शुरू हो, जब आप कुकर बंद करेंगे ना तो वो बंद होते ही फटाफट से सीटी बजना शुरू हो जाती है। तो बस अब मैं ये ढकना लगा लेती हूँ, 20 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमारे कबाब का मसाला तैयार हो गया। कुकर में थोड़ा सा ये है कि दाल अच्छे से पीसी जाती है बिल्कुल। गोश्त देखें कितना ज़बरदस्त गल गया, ये देखें 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। अभी हम इसमें 2 अंडे भी शामिल करेंगे, पहले हम इसे अच्छा सा ठंडा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शामी कबाब का मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। ये एक अंडा, 2 दही के टेबल स्पून, दही में पानी नहीं होना चाहिए, पानी आप उसको छान लीजिएगा छन्नी में, बारीक छन्नी में डालकर उसको, और ये 1 प्याज और 4 हरी मिर्चें ये भी मैं पीसते वक्त डालूँगी बस। तो अब मैं चॉपर में इसको पीस लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने चॉपर में पीस लिया है मसाला शामी कबाब का, और अब हम हरा धनिया आप डालेंगे अला। अब इसे हम कबाब बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हैं। कबाब तो अभी बना के दिखाती हूँ मैं आपको, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में शामी कबाब का बर्गर भी आपको बनाकर बताऊँगी वो किस तरह से बनता है। तो ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का बना लें, मैं इस साइज़ के बना रही हूँ। तो मैं आपको, और बाकी इसको आप फ्रीज़ कर दें, इस तरह कबाब बनाते जाएं। ये देखें इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी और फिर इसे फ्राई करेंगे, और बाकी के मैं बाउल में फ्रीज़ कर लूँगी। ये शामी कबाब देखें मैंने बना लिए, अब इन्हें फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गरम जैसे ही हो जाता है सॉस पैन में, फ्राई पैन में, और आप इसे कबाबों को इसके अंदर इस तरह से डाल दें। अब आपके पास कोई ढक्कन है मैं इस तरह से ढक दें, थोड़ी सी देर के लिए साइड से होने दें, लाइट ब्राउन हो जाए, फिर हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। एक साइड हो गई है, चेंज कर देते हैं दूसरी साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें इस तरह से गोल्डन करने हैं बस इतने, सबको हम इसे पलट देंगे। इसी तरह हम सब फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे को, 2 अंडों को फेंट लें और फिर इसमें डिप करके ये कबाब को फिर वैसे भी तल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब दूसरी साइड से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें
शामी कबाब तैयार हो गए। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। शामी कबाब हमारे तैयार हो गए। मैं तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से कबाब, शामी कबाब हमारे तैयार हैं। सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं, बन में लगाकर उसका बर्गर बनाकर भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें इन कबाबों को, और बोटी से कबाब बनाया करें, कीमे से नहीं। बोटी से कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, रेशे वाले। अगर आपको हमारी शामी कबाब की डिश पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।